your teacher, Mrs. Arpita Chetnani, of grade 6 and my subject is English. इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, यूनिट 2 का चैप्टर है आई चेक इट. क्या है आई चेक इट? मतलब आई मतलब मैंने, चेक मतलब चेक किया, इट मतलब उसे, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है, इस कहानी में दो एनिमल्स के बारे में बताया गया है, एक है एलिफेंट और दूसरा है रैट. ओके, एलिफेंट का नाम क्या है? मोटू, और रैट का नाम क्या है? छोटू. एलिफेंट मतलब हाथी और रैट मतलब चूहा, छोटू एंड मोटू. ये एक कहानी है एक एलिफेंट की जिसका नाम मोटू है. लोग उनको मोटू घर के बुलाते थे. ही हैड अ फ्रेंड, उनको एक मित्र था, उस मित्र का क्या नाम था? छोटू. वो एक चूहा था. दोनों को स्विमिंग करना बहुत ही पसंद था. एक दिन क्या हुआ, मोटू चलते चलते नदी के तट पर पहुंचा. देन व्हाट हैपेंड, ही एंटर्ड द रिवर, वो नदी में चला गया. देन व्हाट हैपेंड, ही एंजॉयड स्विमिंग, उन्होंने बहुत मजे लिए लॉन्ग टाइम तक. ओके, ही वॉज एंजॉयिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वॉज प्लेइंग विद वॉटर. देन व्हाट हैपेंड, सडनली छोटू अराइव्ड, मतलब वहाँ पे आया. छोटू वहाँ पे आया और बोला कम आउट, एक मिनट के लिए बाहर आ जाओ. मोटू ने बोला मैं नहीं आऊँगा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो, मुझे स्विम करने दो. फिर क्या हुआ, छोटू बार बार चिल्लाता रहा, ही वाज शाउटिंग एंड शाउटिंग, एंड मोटू वाज वेरी एंग्री. मोटू को गुस्सा आ गया, एलिफेंट को गुस्सा आ गया. फिर वो पानी से बाहर आ गया, नदी से बाहर आ गया. फिर कहा चलो बताओ व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपको क्या परेशानी है जो आप मुझे बार बार बुला रहे थे कि नदी से बाहर आओ, नदी से बाहर आओ. चलो मैं आ गया, अब बताओ क्या डिफिकल्टी है आपको. फिर छोटू ने कहा ओके यू कैन गो टू द रिवर, चलो मैंने देख लिया, अभी आप वापस जा सकते हो नहाने. आई एम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब मैं संतुष्ट हो गया, मैं तृप्त हो गया. एलिफेंट सोचने लगा कि ये मुझे नदी से बाहर बुला रहा है, जैसे मैं बाहर आया मुझे बोल रहा है आप वापस जाओ, मैं सेटिस्फाइड हूँ. उसने बोला सेटिस्फाइड, संतुष्ट, तृप्त, क्या संतुष्टि हुई तेरे को, किस बात की हुई संतुष्टि आपको? फिर छोटू क्या कहता है, मैंने ये देखा क्या आपने मेरा स्विमिंग सूट पहना है कि नहीं. ही वॉज चेकिंग वेदर मोटू वॉज वेयरिंग हिज स्विम सूट और नॉट. आप ही बताइए क्या रैट का स्विमिंग सूट एलिफेंट को आ सकता है? नो, तो ही वॉज जस्ट चेकिंग इट. फ्रॉम दिस चैप्टर नेम हैज कम, दैट इज आई चेक इट. छोटू चेक हिज स्विमिंग सूट विद द मोटू वेदर ही वॉज हैविंग और नॉट. सो नाउ कम लेट्स लर्न द पोएम द रेनबो. चिल्ड्रन आई बी टीचिंग यू द पोएम ऑफ यूनिट 2 विच इज द रेनबो. रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं, कौन सा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू. इट इज विव जियोर, विव जियोर. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन सब से क्या बनता है? रेनबो बनता है. ओके, दैट इज इंद्रधनुष, बारिश के बाद आता है. और इस कविता को किसने लिखा है? कवियत्री ने लिखा है. दिस इज अ पोएम एंड शी इज अ पोएटेस. क्या है? पोएटेस, पी ओ ई टी ई डबल एस, पोएटेस. कौन है? क्रिस्टियाना रोसेट, इन्होंने ये पोएम लिखा है. ओके, नाउ लेट्स रीड
द पोएम। बोट सेल ऑन द रिवर्स, बोट्स क्या है, सेल ऑन द रिवर्स, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स मतलब नाव, नाव कहाँ पे सेल करते हैं, सेल मतलब कहाँ पे चलते हैं, रिवर्स में, नदी में। ओके, सेकेंड लाइन इज एंड शिप सेल्स, एंड मतलब और, शिप मतलब जहाज, शिप सेल्स ऑन द सी, सी मतलब सागर, जहाज में कौन चलता है, सीज में कौन है, शिप्स, और नदियों में बोट्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड लाइन, बट क्लाउड्स, बी यू टी बट मतलब पर, क्लाउड्स मतलब बादल, एंड क्लाउड्स दैट सेल, दैट सेल, और बादल कहाँ पे सेल करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, आकाश में, क्या लिखना है, अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस द स्काई। रिवर्स पे बोट सेल करते हैं और सीज पे शिप्स जहाज सेल करते हैं, पर आसमान में कौन सेल करता है, बादल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, आर प्रिटियर देन दीज, आर प्रिटियर, प्रिटियर मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल, देन दीज, देन दीज, मतलब यहां कंपेयर कर रहे हैं बोट्स और शिप से भी खूबसूरत क्लाउड्स हैं जो स्काई में सेल करते हैं। Let me teach you the rest of the lines of the poem. Poem की कविता की आगे की ओर चलते हुए, मतलब आगे की पंक्तियों को पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं, There are bridges on the rivers. Bridges मतलब पुल, पुल किधर है, नदियों में, रिवर्स। ओके, As pretty as you please, इतने सुंदर है, जैसे आपको देखकर उन पुल को आपको खुशी महसूस होगी। बट द बो दैट ब्रिजेस हैवन, पर द बो, बो मतलब रेनबो, पर वो इंद्रधनुष है, वो ऐसे पुल बनाता है हेवन की ओर, हेवन मतलब स्वर्ग जैसे, हमें वो पुल को देखते ही, मतलब इंद्रधनुष को देखते ही ऐसे लगता है कि हमें, हम हेवन का आनंद ले रहे, इतना अच्छा लगता है वो रेनबो है ना, इतना सुंदर लगता है देखने में, और उसका वर्णन इन्होंने किया है, इसने क्रिस्टियाना रोसेटी, ये कौन है, कवि है क्रिस्टियाना रोसेटी। फिर क्या है, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, एंड मतलब और, ट्रीज मतलब पेड़, ओवर टॉप्स मतलब ट्रीज के ऊपर से इंद्रधनुष जाते हैं, एंड बिल्ड, एंड मतलब और, बिल्ड मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रोड, एक रोड बनाते हैं, और मतलब एक एक रोड बनाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, धरती से आसमान तक, फ्रॉम अर्थ टू स्काई, स्काई यानी आसमान, अर्थ मतलब धरती, फ्रॉम मतलब से, धरती से आसमान तक वो एक सड़क बनाते हैं, कौन, रेनबो, इज प्रीटियर फार देन दीज, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, रेनबो है, जो धरती से आकाश तक फैला हुआ है और पेड़ों के ऊपर से भी जाता है। ये कविता है, इसका नाम है द रेनबो, ये कवित्व है, दैट इज पोएटेस, कवियत्री, कौन है, क्रिस्टियाना रोसेटी। आई होप यू आर क्लियर विद द पोएम एज वेल एज द चैप्टर, दैट इज आई चेक्ड इट, दिस इज ऑफ द यूनिट 2।
ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन।